Hi everyone, today is the third day of our mock test series which we have started. So today we will be solving 5 questions from research aptitude as I told you yesterday. So as you all know, mock test papers are very important for your exam. Aapke exam ke liye mock test papers bahut zaruri hai because through that aapki speed badhti hai, your speed will increase because since you have only 60 minutes now in your exam, so you need a lot of speed for your exam, and through mock test papers wo speed increase hoti hai. And for further quiz and for further mock test papers, you can always join to our Telegram groups and WhatsApp groups जहाँ पर हम डेली मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं एट मॉर्निंग स्लॉट एंड इन इवनिंग स्लॉट, एंड हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट पेपर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एपीए, दैट इज the American Psychological Association. So first of all, you have to see that ye formats kahan use hote hain and why we use these formats and what are the importance of these formats. So first of all, these formats are used, ye formats use hote hain aapke PhD mein, dissertation mein, thesis mein for MPhil or your project work. And for research aptitude, UGC NCERT NET exam, you have to study these formats carefully and ye padhe jayenge do tarike se. First of all, इनका फुल नेम क्या होता है एंड सेकेंडली फॉर्मेट क्या है. ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है इन योर एग्जाम. वहां पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सम अदर टाइप ऑफ फॉर्मेट, एंड दे कैन आस्क यू फ्रॉम दिस फॉर्म ऑल्सो दैट व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एपीए, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ शिकागो. So you have to remember these two things for the format system. So in this question you have the APA. यहाँ पर पूछा गया है APA format के बारे में कि कौन सा format APA का सही है. उस format में आपको ये चीज़ें याद रखनी है. So format को ढंग से जानने के लिए you have to remember the basic, the minor things, that is डॉट कहाँ यूज़ हो रहा है, कोलन कहाँ यूज़ हो रहा है, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ हो रहा है, कॉमा कहाँ यूज़ हो रहा है एंड ब्रैकेट्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज दीज आर द माइनर थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द फॉर्मैट्स. फॉर्मैट्स के लिए ये चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी हैं. सो लाइक इफ़ यू सी द फोर फॉर्मैट्स दे हैव गिवन, द फर्स्ट फॉर्मैट इज़ द APA फॉर्मैट. वाई? बिकॉज वेन वी रीड द नेम हमेशा कॉमा आता है सरनेम के बाद, देन आर द फर्स्ट नेम, उसके बाद डॉट आएगा, देन ब्रैकेट 2012 ब्रैकेट अगेन, देन स्टॉप, देन मल्टी वेक्टर फॉरन पॉलिसी ऑफ कजाकिस्तान, देन डॉट अगेन, देन रशिया, देन कोलन पियर्सन. सो दिस इज द फॉर्मैट यू यूज फॉर द APA फॉर्मैट विच यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर UGC एग्जाम परस्पेक्टिव. ये दो बार आ चुका है, प्रोबेबिलिटी है फिर से भी आ सकता है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वट इज द बेस्ट वे टू जज द डेप्थ ऑफ द रिसर्च. तो यहाँ पर बात हो रही है अब डेप्थ ऑफ द रिसर्च की. रिसर्च की डेप्थ कैसे पता चलती है, कैसे पता चलता है ये रिसर्च कितनी ऑथेंटिक है, कितनी प्योर है, इसमें अच्छे से काम किया गया है, इसका सिग्निफिकेंस है. तो ये चीज़ें पता चलती हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च. एंड व्हाई ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च? बिकॉज व्हेन यू सी अ रिसर्च, व्हेन यू आर रिसर्चिंग समथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो रिसर्च क्यों करी जा रही है, उसका एम क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च. हम जब भी कोई रिसर्च देखते हैं, अपनी रिसर्च देखें या किसी और की, द फर्स्ट थिंग वी नोटिस व्हाई इज ही रिसर्चिंग, व्हाई इज शी रिसर्चिंग दैट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन एम बिहाइंड दैट. एंड व्हेन वी सी वेरिफिकेशन ऑफ द रिसर्च इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टॉपिक ऑफ द रिसर्च इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, रेफरेंसेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ जो चारों ऑप्शन है वो चारों ही इम्पॉर्टेंट है, बट to see the depth of the research, the objective of the research is always the answer, because without objective of the research you cannot find the way that iski depth kitni hai is research ki, if this research is important or not, how much it is deep. So for that you need objective of the research. Now the third question is, it is again very very important question, that it is again from research methods. I have already told you in the first mock test series that types of research and research methods are very important for you, because questions har saal aate hain research method se. They ask you either from experimental research, or they will ask you from ex post facto research, or they will ask you from the applied or action research. To yahan pucha hai accident report is a part of. Accident report kiska part hai? So first of all you have to see एक्सीडेंट रिपोर्ट में रिपोर्ट कैसी बनाई जाती है. इन एक्सीडेंट रिपोर्ट यू गो फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, बिकॉज पहले
इफेक्ट हो गया है, एक्सीडेंट हो चुका है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉजेज, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है. सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलरेडी देयर, दैट इज द इफेक्ट इज ऑलरेडी देयर. व्हाट यू हैव टू फाइंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज द कॉजेज. एंड जिस रिसर्च में हम इफेक्ट से कॉज में जाते हैं, दैट रिसर्च इज कॉल्ड द एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, विच इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इफ दे आस्क यू दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, विच अप्रोच इज अपोजिट ऑफ एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, यू हैव टू आंसर इट इज experimental research and vice versa. Now the answer of this question is ex post facto research, because here you go from effect to cause. बाकी research में जैसे हम cause से effect में जाते हैं, यहाँ पर हम हमेशा effect से cause में जाते हैं. Fact जो है, पहले जो कुछ हो गया है उसके बाद हम जाके ढूंढते हैं चीज़ें कि क्यों हुआ होगा. सो एक्सीडेंट रिपोर्ट हमेशा एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में आती है. इसका आंसर अप्लाइड रिसर्च भी नहीं होगा, एक्शन रिसर्च भी नहीं होगा, एंड फंडामेंटल रिसर्च तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज फंडामेंटल रिसर्च में हमेशा थियरी बिल्डअप की बात होती है, नॉलेज की बात होती है. सो एक्सीडेंट रिपोर्ट विल ऑलवेज बी द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च. नाउ अगेन द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू शुड रिमेंबर द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च. पहले डेटा आता है या फिर हाइपोथेसिस आता है, पहले कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा या फिर टेस्टिंग आता है. यू हैव टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज थिंग्स. सो इफ़ यू सी द रिसर्च, फर्स्ट हमेशा जो रिसर्च में आता है स्टेप में, दैट इज आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम. इट इज़ वेरी बेसिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये चीज़ें समझना बहुत ईजी है. जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं, हम कुछ भी रिसर्च करने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें पहले पता हो कि हम क्या फाइंड करने वाले हैं, प्रॉब्लम क्या है. सो पहले रिसर्च प्रॉब्लम का पता होगा, ओनली देन वी विल गो फॉर द सोल्यूशन, ओनली देन वी विल गो फॉर द रिसर्च कि हमें ये रिसर्च करना है टू फाइंड द सोल्यूशन. सो इट इज़ बेसिकली अ कॉमन सेंस थिंग दैट आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. ये क्वेश्चन भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ भी सकता है और एक बार आया भी है, बट इन अ डिफरेंट वे. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च इज द आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, आई क्यू लेवल्स, मेजरमेंट्स, टेम्परेचर आर द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट. नाउ स्केल ऑफ मेजरमेंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू रीड द डेफिनेशन केयरफुली. स्केल ऑफ मेजरमेंट से भी क्वेश्चन हर साल आता है मोस्टली. इसमें बहुत ज़रूरी है उनकी डेफिनेशन पता हो. स्केल ऑफ मेजरमेंट्स की जो डेफिनेशन है, लाइक ऑर्डिनल, इंटरवल, नॉमिनल, रेशियो, इनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, इनके क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, विच थिंग्स कम अंडर दीज. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स वेरी केयरफुली. एंड यहाँ पूछा गया है आई क्यू लेवल, टेम्परेचर किसका पार्ट है, ये कौन से वाले स्केल ऑफ मेजरमेंट में आता है. तो यहाँ पर देखिए, इंटरवल मेजरमेंट इज द वन जिसमें आई क्यू लेवल मेजरमेंट एंड टेम्परेचर आते हैं. यहाँ पर यू कैन गो फॉर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. सो टेम्परेचर जो है, आई क्यू लेवल जो है, वो हमेशा इंटरवल का पार्ट होगा. सो दिस वॉज द आंसर. सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम अवर रिसर्च एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट टुडे. अगर आपको हमारा फॉर्मेट अच्छा लग रहा है और या फिर आप कोई चेंजेस चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन. And for the course PDF, for syllabus, you can always join our courses, and the features of our courses are available on your screen right side. You can always join us there. So do not forget to join us in our Telegram group and our WhatsApp group for daily mock test papers, which we conduct in the morning slot and in the evening slot also. Jinka link aapko hamare description box mein mil jayega. Thank you for watching the video. Subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.